कहाँ है? एक घंटा से वेट कर रहे हैं। कब लेट? अब ही थोड़ा सा लेट होता काहे कि बप्पा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का डीजे स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। और अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपलोड करते हैं ना, तो आपके वीडियो ज़रूर वायरल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने सिखाऊंगा कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइनमास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करता हूँ, वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इन सारे मटेरियल को इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एडिटिंग में जाना होगा। सबसे पहले आपको इसे कर लेना है फिल स्क्रीन, एंड आपको इसका टाइमिंग को रख लेना है 5 में, एंड आपको इसके डिफॉल्ट ड्यूरेशन को आपको रख लेना है 2 पॉइंट में, कुछ इस जगह पर आपको रख लेना है। फिर आपको आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको अपना कुछ इमेज को इनपुट करना है, जिस इमेज का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो हम अपने कुछ इमेज को इनपुट कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। देख लीजिए गाइस, हमने कुछ अपने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, अगर आपका कोई इमेज सही तरीके से एडजस्ट नहीं होता स्क्रीन पर, तो उसके लिए आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो को जूम कर लेना है। एंड आपको इसके बाद करना क्या होगा, आपको अपने इमेज को ऊपर क्लिक करना होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, अपने इमेज को आप सही तरीके से एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इसी तरीके से सभी इमेज को सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है अपने स्क्रीन पर। तो कर लेते हैं, तो आप भी कर लीजिए। तो हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो आपको देख लेना है, आपको सभी इमेज को सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स इनपुट करना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने इमेज को ऊपर क्लिक करना होगा, आपको साइड में एक ऑप्शन था क्लिप ग्राफिक्स का, उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। एक आपको ग्राफिक्स डाउनलोड करना है जो कि इस नेम से इन एनिमेशन। अगर आप डाउनलोड नहीं करते, तो आपको करना क्या होगा, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर का, गेट मोर का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको फर्स्ट में मिल जाता है एनिमेशन का ऑप्शन। तो ये गाइस आ चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट में आपको मिल जाता है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको इस तरीके से इसे ऐड कर लेना है। फिर आपको दूसरे इमेज पर क्लिक करना होगा, उसी क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन में क्लिक करना है, उसी ग्राफिक्स में एंटर करना है। एंड आपको तीसरे वाले आपको ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपको इसी तरीके से गाइस, आपको रूल वाइज आपको सभी इमेज पर अपने क्लिप ग्राफिक्स को ऐड कर लेना कुछ इस तरीके से। तो हम कर लेते हैं, तो आप भी कर लीजिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपने सभी इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर लिया है। तो आपको भी इस तरीके से ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को गाइस सेव कर लेना है। तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट हम कर लेते हैं, तो आप भी कर लीजिए। तो हम वेट कर लेते हैं, तो हमारा वीडियो सेव हो रहा गाइस। तो हमारा वीडियो सेव हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको बैक आ जाना है, अपने काइनमास्टर के होम स्क्रीन पर आपको आ जाना होगा। इसके बाद आपको करना है क्या, आपको फिर से प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा, 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड में जाना होगा और आपको कोई भी एक बैकग्राउंड इनपुट कर लेना है। फिर गाइस, इसके लेंथ को आपको खींच के कुछ इतना आपको बढ़ा लेना है। फिर आपको स्टार्टिंग मारना होगा, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और गाइस आपको अपना ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इनपुट कर लेना है। सो आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आ चुका है, आपको करना है क्या, आपको सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा और गाइस आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। देख लीजिए, हमारा स्क्रीन पर एडजस्ट हो चुका है। और गाइस, मैं इसे कट कर लेता हूँ अपने बैकग्राउंड को, इसके जो पीछे का फालतू पार्ट है ये कट चुका है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको स्टार्टिंग मारना होगा, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और अभी आपने जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया उसे इनपुट करना होगा। तो ये हमारा वीडियो आ चुका, अभी आप देख पा रहे होंगे। आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा।
देख लीजिए मेरा वीडियो लग चुका है। इसके बाद आपको आगे खिसका लेना है, फिर आपको देख लेना है कि आपका ग्रीन स्क्रीन वीडियो किस जगह पर आ जाता है। सो हमारा इस जगह पर आ जाता है, फिर आपको क्या करना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, फिर से आपको अपने वीडियो को इनपुट कर लेना है और इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। फिर गाइस आपको आगे खिसका लेना कुछ इस तरीके से, तो हम खिसका लेते हैं। तो गाइस हम इसे आगे हल्का खिसका लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो देख लीजिए आपको भी सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। तो गाइस मैं यहाँ पर और एक वीडियो ले लेता हूँ, तो ये हमारा वीडियो आ चुका है, इसे गाइस मैं फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हो चुका है, और गाइस मैं इसे हल्का इसे कट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपको भी कट कर लेना, आपको सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है, फिर आपको आगे खिसका लेना है एंड आपका इस जगह पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ जाता है। तो आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको फिर से अपना वीडियो को इनपुट कर लेना और इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो हमारा लग चुका है, और अब मैं आगे खिसका लेता हूँ गाइस कुछ इस तरीके से, तो देख लेता हूँ। फिर गाइस हमारा इस जगह पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ जाता है, आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना वीडियो को इनपुट कर लेना है। सो गाइस हमारा वीडियो लग चुका है, और मैं इसे आगे खिसका लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके बाद गाइस हमारा वीडियो बन चुका है, अब देख पा रहे वीडियो लग चुका है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको गाइस आपको कर लेना ब्रिंग टू फ्रंट, आपको सेकंड में ऑप्शन मिल जाता है एंड आपको नीचे का ऑप्शन मिला क्रोमा की का, उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, इसे इनेबल कर देना है, और आपका जो की कलर होना चाहिए वो ग्रीन कलर होना चाहिए, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने ग्रीन कलर को रिमूव करने के लिए। तो हो चुका है, मेरा वीडियो बनके तैयार हो चुका है, और इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट इनपुट कर लेना है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करता हूँ, टिक पर क्लिक करता हूँ, और गाइस इसके बाद आपको करना है क्या होगा, आपको नीचे का ऑप्शन मिला ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इसे कर लेना है स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, और मैं इसके पीछे का जो फालतू बैड उसे मैं कट कर लेता हूँ, तो मेरा वीडियो इफेक्ट लग चुका है। और इसके बाद आपको करना है क्या होगा, आपको फिर से लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, और गाइस आपको एक पीएनजी को इनपुट करना होगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हम उसे आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमारा PNG आ चुका है, जो कि शेडो वाला है। आपको करना है क्या होगा, आपको इसे जूम कर लेना कुछ इस तरीके से, और आपको इस जगह पर इसे एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक लेना है। इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको टेक्स्ट PNG को इनपुट कर लेना है। सो ये आ चुका है, आप इसे जूम कर लीजिए इस तरीके से, और आपको इस जगह पर इसे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और गाइस मैं इसे हल्का एडजस्ट कर लेता हूँ। हो चुका है, और इसके लेंथ को मैं वीडियो के एंड रख लेता हूँ। देख लीजिए हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। सो हम उसे इनपुट कर लेते हैं, ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है। आपको करना है क्या होगा, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना कुछ इस तरीके से। तो गाइस फाइनली हमारा स्टेटस जो है बनके तैयार हो चुका है, तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो गाइस आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो लाइक कर दीजिएगा यार, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको स्टेटस बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फॉलो भी कर लीजिएगा। तो गाइस अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।